पुष्पा बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा आदमी हमारा सिंडिकेट संभाले इसी में हमारी भलाई है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा बैठकर एमएलए साहब को प्लान समझा। ये क्या कर दिया भाऊ, वो 5 लाख दे रहा था ना, अभी 1 लाख का घाटा हो गया। 5 लाख लेकर भी अपने को चुकना ही पड़ता, अभी 4% लिया ना तो अपन पार्टनर बन गया। पंजे कोंडा और मैं एक लेवल पे, अभी कंधे से कंधा मिलाने का, झुकने का नहीं। कभी कभी तो लगता है आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा, पैर पे पैर रख के बैठा है? ए, ये क्या कर रहा है तू, पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है, कुछ तो इज्जत कर। काजल, ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काहे को लग रही है? उसको बोल काम देख, टांग मत देख, मेरे काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के। ए उस तरह की ब्लेड, तेरा जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया, मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। आज के बाद अगर मुझसे किसी ने कुछ छीना ना तो मैं चुपके बैठने वाला बहुत हो गया। फिर वो 10 रुपया हो या 10 करोड़, मैं सबसे वसूलेगा। बस फिर चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला मंगल सीनू, चाहे चा कामाल, मैं सबको लपेटे में ले डालेगा। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला।